नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत टिहरी दौरे पर हैं। उन्होंने जिला अस्पताल बौराड़ी का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के आपातकालीन सेवा आईसीयू, नवजात शिशु वार्ड, जनरल ओपीडी का निरीक्षण किया। उन्होंने आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। वहीं भर्ती मरीजों से भोजन, दवाएं, स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर भी फीडबैक लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में निर्माणाधीन 500 LPM के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य पूरा होने पर यहां से 80 बेड के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिला अस्पताल केवल रेफर सेंटर न बन रहे, इसीलिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला अस्पताल में आने वाले हर प्रकार के रोगी का इलाज सुनिश्चित किया जाए। तो टिहरी दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे हैं। सीएम ने जिला अस्पताल बौराड़ी का निरीक्षण किया, आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक हफ्ते और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही हल्की सी रियायतें भी नागरिकों को दी हैं। कोरोना कर्फ्यू को 8 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है और इस दौरान 1 जून और 5 जून को ही राशन की दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। कोविड महामारी के बीच उत्तराखंड में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अभी तक प्रदेश में ब्लैक फंगस के 198 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 15 ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि ब्लैक फंगस के 13 मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अस्पताल में उत्तराखंड में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले पर DG हेल्थ ट्रस्टी बहुगुणा ने बताया है कि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोविड के मामलों में कमी आ रही है उससे ये कहा जा सकता है कि ब्लैक फंगस के मामलों में भी आने वाले दिनों में कमी आएगी। देखिए, अभी तो केसेस हैं हमारे लगभग 198 केसेस हमारे हैं, जिसमें कि कम से कम 100 सबसे ज़्यादा जो हमारे एम्स में ट्रीट हो रहे हैं 121। उसके बाद आपका जो है HIST में है, हमारे दून में है, कुछ महेंद्रेश में है। केसेस जहाँ तक ट्रीटमेंट हो भी रहा है, ठीक भी हो रहे हैं लोग, और एक्सपेक्टेड के लिए अभी ये कहना मुश्किल है कि कितने ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे केसेस हमारे कम हैं तो हमारे फंगल इन्फेक्शन वाला भी थोड़ा कम होगा। लेकिन अभी क्योंकि आफ्टर एफर्ट अब आ रहा है तो अभी तो है ही नहीं जो हम बता रहे हैं 198। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार तो धीमी हो गई है, हालांकि मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड में मृत्यु दर 0.25% थी, जो 10 दिन के अंदर बढ़कर 2% के करीब पहुंच गई है। इस बढ़ती मृत्यु दर को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मृत्यु दर बढ़ने से सबसे बड़ा कारण अस्पतालों में दूसरे राज्यों के मरीजों का आना है। पिछले 15 दिन पूर्व हम पीक पे थे, लेकिन आज कल यहाँ पर देहरादून का 58 था और धीरे धीरे और ये सामान्य हो रहा है। और इसके लिए मैं अगर कहना चाहूँगा कि मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है। अगर आप एम्स में चले जाएँ, आप जोली ग्रांट में चले जाएँ, आज मैक्स में चले जाएँ, 30% से अधिक पेशेंट हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिजनौर और पोटा साहब से आ रहे हैं। हम किसी को इलाज के लिए ना नहीं कर सकते, यही कारण है कि हमारा डेथ रेट और से ज्यादा बताया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब ऐसे बच्चों की सहायता के लिए कई लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। देहरादून के शिक्षण संस्थान CIMS और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ने भी अनाथ बच्चों के लिए बड़ी पहल की। उन्होंने ऐसे 100 बच्चों के लिए उच्च शिक्षा को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने का फैसला किया। ग्रुप के चेयरमैन ललित मोहन जोशी ने बताया है कि कोरोना त्रासदी से लड़ने के लिए एक नागरिक के तौर पर
उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास है, इसीलिए वो हर जगह मदद के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। हम सब जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोविड की मार को झेल रहा है। भारत को कोविड की दूसरी वेव ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरी देवभूमि उत्तराखंड भी इस महामारी से अछूती नहीं रही। हम सब जानते हैं इस दौर में हम में से कई साथियों ने, कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। इसलिए हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस दौर में हम सब लोग ऐसे बच्चों के लिए आगे आएं। क्योंकि मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूं, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को गवा दिया है, अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन बच्चों को CIMS और UIHMT कॉलेज के माध्यम से निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड में लगातार घट रहे COVID-19 के कहर के बाद ऋषिकेश के एक बड़ी राहत वाली खबर आई है। आपको बता दें कि ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर के शमशान घाट पर 28 मई से 31 मई तक कोई भी COVID-19 से संक्रमित शव अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचा है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई COVID-19 का कहर अब कम होने लगा है। चंद्रेश्वर नगर के शमशान घाट पर एम्स राजकीय चिकित्सालय और जॉली ग्रांट के हिमालयन अस्पताल से भी कोरोना संक्रमित मरीजों के शवदाह संस्कार के लिए ऋषिकेश लाए जाते हैं, लेकिन 28 मई से लेकर 31 मई तक कोई भी अंतिम संस्कार के लिए कोरोना संक्रमित शव नहीं आया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में आपका डॉक्टर अभियान शुरू किया है, जिसमें डॉक्टर के पैनल द्वारा निशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने बताया है कि आपके डॉक्टर अभियान को प्रदेश में काफ़ी समर्थन मिल रहा है और लोग इससे लगातार स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि समस्या सुनने के लिए 40 वॉलेंटियर तैनात किए गए हैं और 30 डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है। 17 मई से अब तक अभियान के तहत जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 37895 लोगों संपर्क में आए हैं। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर ने मांग दिवस मनाया और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप के साथ सभी आशा वर्कर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फाउंडेशन के आह्वान पर आशा वर्कर्स ने मांग दिवस मनाया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने सरकार से 10,000 रुपये मासिक कोरोना भत्ता देने, कोरोना संक्रमण के समय बिना किसी शर्त 50 लाख रुपये जीवन बीमा योजना लागू करने, 10 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा की गारंटी देने के साथ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ऊधम सिंह नगर जिले में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम होने लगी है। मरीजों के स्वास्थ्य के आंकड़ों के बढ़ने के साथ मृतकों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर इलाज करा रहे 4 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2345 है। रविवार को पॉजिटिव आए मरीजों में रुद्रपुर में 10, काशीपुर में 13, खटीमा में 23, सितारगंज में 12, किच्छा में 6, बाजपुर में 17, जबकि जसपुर में 2 संक्रमित मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों की माने तो जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले लगातार घट रहे हैं और अधिक संख्या में लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले के मुकाबले मात्र 3% नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए रामनगर के मानधन क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में घर घर जाकर बाजारों में हर दुकान को सैनिटाइज किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस चौकी, कन्या इंटर कॉलेज, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को भी सैनिटाइज किया गया है।
इसको लेकर आप प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने कहा है, जिस तरह से सरकार ने घोषणा की है कि पूरे प्रदेश में हर जिले में और सभी ग्राम पंचायतों को कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च करेंगे, उसमें सैनिटाइजेशन का भी काम था जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।